नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मौजूद हैं देश रोज़ाना के डिजिटल मीडिया मंच पर और आपके साथ फिर उसी मुद्दे पर हूं कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे। मैं आपके साथ अभी तक 4 वीडियो शेयर कर चुका हूं, ये 5वें वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूं। 4 वीडियो मैंने जो आपसे शेयर किए उनके अंदर एक वीडियो में मैंने आपसे बात की कि क्या SC और DSC के मुद्दे पर जो वर्गीकरण हुआ, जो मतों का बंटवारा हुआ, वो कांग्रेस की हार का कारण बना। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा भी कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बना। तीसरा मैंने आपको बताया कि हिंदुत्व, सनातन और इस्लामीकरण, इस सब को लेकर के भी जनता के बीच बात गई और इससे भी कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ। चौथे वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या EVM कांग्रेस की हार का कारण थे। और अब 5वें वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ कि कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण कहीं कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी, कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कैंडिडेट्स का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहीं उदासीनता, और इसके साथ साथ कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, जो कैडर बेस कार्यकर्ता रहा होगा कभी, उसका बिल्कुल शांति से अपने घर बैठ जाना, क्या ये भी बड़ा कारण रहा। आपको इस सारे मुद्दे पर आपको चर्चा में साथ लेते हुए बताते चलें कि हरियाणा का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा के लिए, जिनमें 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 5 सीट कांग्रेस जीती थी, और उस तमाम के बाद में, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के बीच खाई बड़ी हो गई थी, बात चलनी शुरू हो गई थी। कुमारी सैलजा ने कई बार कहा था कि कांग्रेस की टिकटें ठीक नहीं बटी, अगर ये ठीक बटी होती तो फिर चुनाव परिणाम ये ना होते। कुमारी सैलजा ने कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इशारे पर, निशाने पर लिया और ये कहा कि उनकी वजह से सीटें कम हुई। लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा की तैयारी शुरू हुई, दोनों नेता यानी कि हुड्डा गुट और सैलजा गुट अपनी डफली, अपना राग लगातार बजा रहे थे, लगातार उनका राग चल रहा था। समय बीतता गया, चुनाव, हरियाणा के विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ गया, घोषणा हो गई, चुनाव के लिए टिकट वितरण का काम शुरू हुआ। कांग्रेस के अंदर एकदम से ऐसा जैसे हंगामे की, झगड़े की ऐसी सुनामी आई कि कांग्रेस के तमाम नेता एक दूसरे से मुंह फुलाए दिखाई पड़ते थे। आपको ध्यान होगा, कुमारी सैलजा गुट का आरोप कि टिकटों के वितरण के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, और ऐसा कहकर वो अपने घर बैठ गईं। दूसरे बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने अपने आप को कैथल तक सीमित कर लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा गुट यानी कि उनके साथ में तीसरे चौधरी उदय भान, उन सीटों पर नहीं गए जिन पर कुमारी सैलजा के समर्थक थे, उन सीटों पर नहीं गए जहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के चाहने वाले थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बड़ी संख्या में बागी कैंडिडेट मैदान में आए और एक दूसरे पर आरोप लगे कि खुद नेताओं ने खड़ा कर दिया। कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे वो कुमारी सैलजा हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, और उसके बाद चाहे तमाम नेता, सबके दिलो दिमाग में एक बात चलती थी कि मुख्यमंत्री तो मैं बन जाऊँ। मुख्यमंत्री कैसे बने? कांग्रेस के नेताओं का ये ध्यान नहीं था कि सीटें कैसे ज़्यादा बढ़ जाएं, उनका ये ध्यान ज़रूर था कि मुख्यमंत्री कैसे बन जाएं। इतना ही नहीं, इतना ध्यान यहाँ तक भी था, यहाँ तक भी बात थी कि अगर कहीं हो सके तो दूसरे गुट के नेता को कहाँ पर झटका मारा जाए, दूसरे गुट के नेता को कहाँ ऐसा किया जाए कि उसको चुनाव में कहीं उसको पीछे किया जाए, यानी कि चुनाव हारने की कगार पर। आप ध्यान करें, ऐसी कई विधानसभा सीट आपको दिख जाएंगी जिसके अंदर कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के समानांतर कैंडिडेट खड़े हुए और वहाँ कांग्रेस कहीं दूसरे, कहीं तीसरे, कहीं चौथे और कहीं 5वें स्थान तक पहुँची। कांग्रेस के अंदर जो टिकटों का वितरण हुआ, उस टिकट के वितरण में आप अम्बाला कैंट को देखें तो वहाँ पर परविंदर परी को टिकट मिला, उनके सामने चित्रा सरवारा मैदान में थी। बिल्कुल तय बात है कि चित्रा सरवारा जीतने विनिंग कैंडिडेट थी, लेकिन आखिर क्यों उनको टिकट नहीं मिला, क्यों परी को टिकट मिला और फिर क्यों विरोध की बात चली? परी कहते हैं हुड्डा साहब ने समर्थन नहीं किया, हुड्डा साहब ने सहयोग नहीं किया। शमशेर गोगी कहते हैं हुड्डा साहब ने सहयोग नहीं किया। तिगांव के अंदर तो टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिनका जनता में कोई जनाधार नहीं था। ललित नागर देखते रह गए, टिकट मिल गया रोहित नागर को, ललित नागर इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में आ गए, कांग्रेस की हार हो गई। दूसरे स्थान पर ललित नागर रहे, राजेश नागर बड़े अंतर चुनाव जीत गए। अगर आगे चलें तो बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के अंदर पराग शर्मा को टिकट मिला कांग्रेस का,
कुमारी शारदा राठौर इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई, कांग्रेस कैंडिडेट चौथे स्थान पर पहुंचा। तिगांव की बात करें तो तिगांव में तीसरे स्थान पर पहुंचा। अगर बात कर लेते हैं अंबाला कैंट की तो वहां चौथे स्थान पर कांग्रेस कैंडिडेट गया। खाली एक सीट नहीं है। आप उचाना में देखें, वीरेंद्र सिंह घाघोड़िया, उनको तैयार किया हुआ था हुड्डा साहब के ग्रुप ने, टिकट मिला ब्रजेंद्र सिंह को। घाघोड़िया चुनाव में खड़े हुए 40,000 के आसपास वोट ले लिया उन्होंने, 40,000 के आसपास वोट लिए और 32 वोट से हार गए मात्र चुनाव ब्रजेंद्र सिंह। ऐसी कई सीटें हैं कि जिनके अंदर ये सारा खेल हुआ। उसके बाद अगर चलें तो मैं आपको कई ऐसे कांग्रेस के कैंडिडेट्स आपको फिगर पर टिप्स पर बता सकता हूँ कि वो अपना तो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन उनकी नज़र अपने आसपास के क्षेत्रों पर थी। कैंडिडेट खुद तो चुनाव जीतना चाह रहे थे लेकिन ये चाह रहे थे कि आसपास में कोई और कांग्रेस का चुनाव व्यक्ति ना जीत जाए। यानी कि ये स्थिति थी कि सबको लगता था कि जैसे कांग्रेस की सरकार बन गई, मंत्री तो आप तभी बनोगे जब आपके आसपास के इलाके के लोग चुनाव ना जीतें। और ये स्थिति कांग्रेस के कोई एक आध दो नेता की नहीं, ऐसे कई नेताओं के बारे में है जिनके सोशल मीडिया पर, और यहाँ नाम सीधे स्पष्ट बताने के बजाय इशारे सब समझते हैं, सब लोग जानते हैं, जो हमारे दर्शक हैं बहुत जागरूक दर्शक हैं और सब जानते हैं कहाँ क्या चल रहा है। तमाम कांग्रेस के कैंडिडेट्स, तमाम कांग्रेस के नेता इस प्रयास में भी लगे रहे कि एक दूसरे के सामने कहीं दूसरा चुनाव ना जीत जाए। आसपास के इलाकों में ये होता था कि मैं तो चुनाव जीत जाऊँ और कहीं जगह कांग्रेस ना जीते, सरकार बन जाएगी और स्थानों से। हुड्डा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि हुड्डा साहब ये चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार तो बने लेकिन मेजोरिटी बम्पर ना हो, 45-46 सीटों पर जो बहुमत बनता है बस वो 46-48-50 से नीचे रह जाए ताकि कांग्रेस हालाकमान की मजबूरी बने। कुमारी शैलजा, जिनके चाहने से टिकट नहीं मिले थे, तो मुझे लगता है कि शायद शैलजा ने ये सोच लिया कि हुड्डा सीएम बने या नायब सैनी सीएम बने क्या फ़र्क पड़ता है। यही सोचा जा सकता है इस बात के अंदर। अब बात आ जाती है, ये बड़े नेताओं की हुई और उसके बाद मैंने बताया आपको कैंडिडेट्स का। उसके बाद बात आ जाती है संगठन की। कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया, 10 साल हो गए, 10 साल पूरे देश के अंदर राहुल गांधी घूमे कांग्रेस जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, न्याय यात्रा लेकर के, लेकिन अगर हरियाणा की बात आई तो ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े और ना ही न्याय हुआ। ऐसे कई कार्यकर्ता दिख सकते हैं जो कहते हैं कि उनके साथ में न्याय नहीं हुआ। न्याय यूँ नहीं हुआ कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उसको लगता है कि अगर संगठन नहीं बना, संगठन के अंदर जब पदाधिकारी बन जाते हैं तो फिर उनकी ड्यूटी बन जाती है। ऐसी पार्टी से मुकाबला जो पन्ना तक लेकर के अपने समितियां बनाती है, और इधर कांग्रेस के पास अपने ही संगठन यानी कि जिला स्तर का संगठन, प्रदेश स्तर का संगठन वहां तक भी नहीं था। ये प्रमुख कारण रहे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की फेवर में बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके पन्ना प्रमुख, उनके शक्ति केंद्र, उनके शक्ति प्रमुख, उनके मंडल पदाधिकारी, उनके ब्लॉक पदाधिकारी, इनके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयंसेवक, जो दिन रात जा कर के मतदाताओं के बीच प्रचार कर रहे थे। मैंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं का एक, स्वयंसेवकों का एक पर्चा देखा था इश्तिहार, जिस पर वो सीधे वोट की अपील नहीं थी कि भाजपा को वोट दें, लिखा हुआ था कि आपका दिया हुआ वोट क्या बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दिलवाएगा। यानी कि इस प्रकार का कहीं लिखा हुआ था कि आपके द्वारा दिया हुआ वोट क्या सनातन की रक्षा कर पाएगा, आपके द्वारा दिया हुआ वोट क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सही है। ये तमाम ऐसे उनके सवाल थे और मतदाताओं को बताया जाता था, मतदाताओं को समझाया जाता था कि अगर आपने यहाँ वोट दिया तो ये होगा, यानी कि बीजेपी को वोट दिया तो ये होगा, कांग्रेस को वोट दिया तो ये होगा। और इधर कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस के पास जब संगठन नहीं था, जब साहब कार्यकर्ता नहीं थे, तो जनता के बीच जाता कौन। कांग्रेस के एक नेता, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो तो केवल इस हवा में रहे कि जनता चुनाव लड़ रही है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का था चाहे विधानसभा का था, एक ही बात कही जाती थी कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता खुद चुनाव जिता देगी। तो भाई जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता ने चुनाव लड़ा, जनता को जो लगा ठीक वो जनता ने कर दिया। आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का, मंत्री बनने वाले नेताओं का, दावेदारों का, उनका नैतिक दायित्व क्या था। अगर दोष देना पड़ेगा तो केवल दोष मरने से काम नहीं चलता, जब तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तब तक काम नहीं चलता। और आप बड़ी बात देखें दोस्तों, कि चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में
5 अक्टूबर को चुनाव हुआ, 8 अक्टूबर को मतगणना हुई, 12 अक्टूबर तक किसी नेता ने, 13 अक्टूबर तक किसी नेता ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। दोष मड़ा तो केवल ईवीएम पर। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अंतर मन में झांक करके देखें तो उन्हें कुछ अपने फॉल्ट भी दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं की इतनी मेहनत थी, जनता में इतना जुड़ाव था कि जनता उनके साथ हो? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो आपसी फूट थी उसने छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया, जिसके चलते वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक भी ले जाने में कामयाब नहीं हुए? और सबसे प्रमुख सवाल कि क्या गुटों में बटी हुई पार्टी या गुटों में बटा हुआ संगठन किसी भी आयाम को पा सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।